हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। 12 नवंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया है वो देखना होगा, हमें इंडेक्स में उनकी पोजीशन क्या है वो समझना है, इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में उन्होंने क्या बाय सेल किया है वो समझेंगे, सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, टॉपर्स और लूजर को जानेंगे और पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, यूएसए के अंदर इतनी बड़ी पॉजिटिविटी क्यों दिख रही है वो समझने की ट्राई करेंगे, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को ट्रैक करेंगे, आने वाले वीक में कौन सी इवेंट होने वाली होगी वो समझना होगा, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो तो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी देखो, हमारे पास गैप डाउन खुला था लेकिन साइड वाइज करने के बाद दे धनाधन बाइंग, एफआईआई ना करके एक बार के लिए सेल तो किया लेकिन फिर उन्होंने भी अपनी शॉर्ट कवरिंग ही करा दी तो डे हाई पे जाकर के क्लोज हुआ है और एक तरीके से ये अच्छा हुआ। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने लॉस ही बुक किया हुआ है, मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। देखो बैंक निफ्टी सेम केस, गैप डाउन खुलने के बाद रुका ही नहीं है, दे धनाधन ऊपर। इस जगह पे आकर के तो मैंने सेल ऑफ मारना स्टार्ट कर दिया था, मुझे लगा कि नहीं अभी और कितना ही बढ़ेगा, लेकिन एक डिप दिया लेकिन फिर से दे धनाधन ऊपर के ऊपर भाग गया था। मेरी पोजीशंस देखो, मुझे लॉस हुआ मैं यहाँ है पे ठीक ट्रैप हो ठाक अगर चुका देखे तो थोड़ा सा लॉस हुआ है, लेकिन ये लॉस को अगर मैं थोड़ा भी कैरी कर लेता ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता मुझे। देखिए मेरी पागल जैसी पोजीशन थी, 600 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली है, वो भी एट द मनी पुट में। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मैं नीचे की नीचे सोच के बैठा था, क्योंकि यूएस मार्केट प्रीवियस डे पे क्या था, डाउन था, तो मुझे लगा कि, और उस टाइम पे जब मैंने पोजीशन बनाई ना, एक अकेला मिड कैप निफ्टी था वही ऊपर था, बाकी सब कुछ नीचे था। मुझे लगा कि मिड कैप निफ्टी बाकी सबको देख करके गिर जाएगा, हुआ उल्टा, मिड कैप निफ्टी ने बाकी सबको ऊपर ले गए। ये मैं खुश होने के लिए बोल सकता हूँ कि नहीं, मेरे पास 600 रुपये का ही सिर्फ लॉस गया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में देखने जाए ना तो मेरा 6,000 जितना चूना लग गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6,000 तो बना लिया था, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने गया और यहाँ पे सेल ऑफ हो गया। एनीवे, डीआईआई ने सिर्फ 800 करोड़ का बाई किया हुआ है, एफआईआई ने बेचा नहीं है, सिर्फ 200 करोड़ का बेचा, अगर ये बेचते तो नंबर और बड़ा आ सकता था। रिटेलर्स हमारे पास देखो, थोड़ा सा कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके गए हुए हैं और पुट भी उन्होंने कैरी कर लिए हैं। एफआईआई की पोजीशन देखो तो उनकी भी थोड़ी सी हल्की हुई है और प्रो के पास भी अभी बैलेंस्ड पोजीशन है, तो प्रो तो कभी भी घूम जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफआईआई अभी चाहे तो मार्केट को रोकेंगे, लेकिन वो भी मंडे को, मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ होने वाला नहीं है शायद। यस, ये डेटा देखो, इंडेक्स के अंदर एफआईआई ने फिर से 3,000 करोड़ जितना ऑप्शंस में सेल ऑफ मारा हुआ है, निफ्टी के अंदर अकेले में बाइंग की हुई है तो वहां पे उनको ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे, मिड कैप निफ्टी के अंदर 1,200 करोड़ का सेलिंग है, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर देखो तो वहां पे थोड़ी सी बाइंग है, बाकी हर जगह पे सेलिंग है। अब इस डेटा को देख करके ब्लाइंडली सेल ऑफ भी नहीं मारना है, क्यों? हो सकता है ये हेज पर्पस से हो सकता है ये दूर के ऑप्शंस वगैरह हो, हमें क्या करना होता है, प्राइस एक्शन देना होता है, ये आइडिया रहेगा कि अगर एक बार के लिए मार्केट नीचे आ रहा है ना तो एफआईआई की पोजीशन ये है वो पूरा नेगेटिव साइड की ही होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 30 स्टॉक अप थे, 20 डाउन थे हमारे पास, ऑटो आईटी में बाइंग थी, सॉरी ऑटो और आईटी नेगेटिव थे, जबकि ऑयल मेटल हेल्थ ये सब कुछ बाइंग में दिखा रहा था। टॉपर्स में देखे तो हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बाइंग दिखाई है, तो गवर्नमेंट ने आकर के बाई किया होगा, वैसे भी धनतेरस थी तो गवर्नमेंट खुद भी बाई करती है। यस, सेल ऑफ की साइड देखो तो हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा होंडा मोटर कॉर्प, ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है वीकेंड के चलते। ओवरऑल देखने जाओ तो 1,300 स्टॉक अप थे जबकि 1,100 स्टॉक थे वो डिक्लाइन थे, अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी 101 स्टॉक में लगा हुआ है, एशियन मार्केट पूरा नेगेटिव। देखो मैं और सेल साइड की क्यों सोच रहा था, एशिया मार्केट पूरा नेगेटिव था, एक हमारा भारत ही महान है, बाकी सब कुछ नेगेटिव था, हमारे मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई, एक तरीके से बोलो तो ये अच्छा हुआ है, क्यों वो समझना। यूरोप मार्केट पूरा नेगेटिव, यूरोप नेगेटिव है, एशिया नेगेटिव है, तब बाय कैसे करोगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंडिया के अंदर धनतेरस थी और धनतेरस के अंदर नॉर्मल पब्लिक भी भर भर के बाय करती है। एनीवे, अमेरिकन मार्केट देखो जबरदस्त ग्रीनरी दिखा रहा है,
तो जिन्होंने धनतेरस पे बाई किया था उनको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद यहीं पे मिल चुका है। ये इतना बड़ा पॉजिटिव, अगर मैंने वो पोजीशन कैरी कर ली होती तो मेरा आज अकाउंट साफ हो जाता, ऐसा समझ लो। मतलब अकाउंट तो नहीं, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो सब निकल जाता, क्योंकि ये टोटली बड़ा बहुत बड़ा गैप अप खुला हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। अगर करो तो भी मंथली एक्सपायरी में करो, मतलब 15-20 दिन आपको मिले पोजिशन को एडजस्ट करने के लिए। ये अगर मैंने वही जो मंडे वाला कैरी फॉरवर्ड किया होता तो सब कुछ साफ हो जाता। एनीवे, यूएस मार्केट देखो, ये सब कुछ अप है। नेस्टेक 2% भागा हुआ है, S&P 1.5%, डाउ जोन्स 1%, विक्स डिक्रीज हो रहा है। मतलब 2 दिन पहले गिरावट हुई थी वो कुछ मायने ही नहीं रखती, जितना गिरा था उससे ज्यादा ही वो अप चला गया। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो, हमारे पास 4.6 जितना अप पहुंची, ले बोलो कि फ्लैट है। ये जो 10 बेसिस पॉइंट बढ़ी हुई थी उसकी चलते गिरावट आई थी, ये अभी रुकी हुई है, फ्लैट है, तभी भी इतना बहुत बड़ा बाइंग आ गया। देखो मैं 2 घंटे से पिछले ट्राई कर रहा हूँ रीजन फाइंड करने के लिए कि क्या रीजन है इतना बड़ा बाइंग आने का। कुछ रीजन नहीं है, एक आपको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड मार्केट है वो स्टेबिलाइज हुए हैं, मतलब बॉन्ड यील्ड वो कम भी नहीं हुई है, ज्यादा भी नहीं हुई है, उसी जगह पे ठहरी हुई है, तो उसी के चलते बाइंग आ गई। दूसरा, कोई एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन आगे जाकर के कम होगा। अब एक रिसर्च पेपर आने से मार्केट इतना बहुत ऊपर चला जाता है, तो सीधी सी बात है कि ये जो सेल ऑफ आया हुआ था अपनी पोजीशन को बुक करने के लिए आया था, शॉर्ट पोजीशन को। इंडियन एडीआरस जबरदस्त दिखा रहे हैं, HDFC 2%, खुदा ना खास्ता ये उतना ही गैप अप में खुल गया ना कल, तो प्रॉफिट बुक कर लेना। इसको देख करके ऐसा मत सोचना कि और 2-3% चला जाएगा, ये 2% ये 1%, मैं तो बोल रहा हूँ संडे के दिन ही हो सके तो बहुत बड़ा गैप खुल रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मंडे का वेट मत करना, मंडे नई पोजीशन बनाना। अगर आप कॉल साइड में हो तो, पुट साइड में हो तो कुछ मत करना, रहने देना। मंडे को हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन भी हमको देखने को मिले, और डाउ फ्यूचर के अकॉर्डिंग मार्केट खुलेंगे। यस, डाउ फ्यूचर 340 पॉइंट, देखो 34,000 पे था जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ, तो उसके बाद दे धनाधन नॉन स्टॉप रैली दिखाई है यहाँ पे 300 पॉइंट की, 340 पॉइंट की। ऑयल में भी हल्की फुल्की बाइंग है, 2% जितनी बाइंग हो रही है, नेचुरल गैस के अंदर फ्लैट है। यस, गिफ्ट निफ्टी कल के वीडियो में हमने जब बताया था तब ये 386 पे था, फिलहाल ये 600 पे है। इतने बड़े स्विंग दिखा रहा है ये, मतलब 400 200 250 पॉइंट तो खेलते खेलते अप डाउन हो जा रहे हैं, लेकिन इसको देख करके खुश नहीं होना है, अभी के लिए वेट करो मंडे का। हाँ, पुट साइड में अगर आप बैठे हो तो सेफ साइड होगा कि कल मुहूर्त ट्रेडिंग में अब हेज कर लेना, या फिर आप थोड़ा से कॉल भी ऐड कर लेना, ताकि अगर मंडे को और अप जा रहा है तो आप सेफ साइड रहो। यस, ट्यूजडे की इवेंट देखो, ये पूरा वीक है ना वो आप देखो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। पिछला वीक पूरा डल था, मार्केट अप जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन कोई मेजर मूवमेंट नहीं आया है। ऑप्शन बायर के कुछ पैसे खास नहीं बने हैं, इवन ऑप्शन सेलर के भी नहीं बने हुए हैं, इतने कम वीक्स में क्या ही बनाएंगे। लेकिन आने वाला जो वीक है वहां पे बहुत सारी इवेंट होने वाली है। देखो स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे से, मंडे को कुछ खास इवेंट है नहीं। ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ डेटा आने वाले हैं हमारे पास, ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूएसए का कोर इन्फ्लेशन आने वाला है, बाकी सारी बातें एक साइड, कोर इन्फ्लेशन दूसरी साइड। इन्फ्लेशन का डेटा डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा करेगा। तो ट्यूसडे के दिन डेटा आएगा शाम को 7 बजे, तो वेनसडे वाला मार्केट है वो बहुत अच्छा होगा। तो मंडे के दिन मैं बोल रहा हूँ कुछ कैरी फॉरवर्ड करके मत जाना, वेनसडे को आपको सरप्राइज मिल सकते हैं। यस, फिर थर्सडे के दिन देखो तो हमारे पास जापान का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और फ्राइडे के दिन हमारे पास रिटेल सेल्स डेटा और बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है। वेनसडे रहेगा ना, वेनसडे डिस्कस कर लेते हैं। वेनसडे को जापान का GDP का डेटा है, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स का डेटा होगा, और यूएसए का रिटेल सेल्स डेटा है। फाइन, अब संडे को हमारा मार्केट ओपन होने वाला है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, आपने सुनी लिया होगा। 6 बजे से 6:15 बजे तक प्री मार्केट ओपनिंग होता है, और 6:15 से 7:15 बजे तक वहां पे ट्रेडिंग होगी। लेकिन इसमें बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट करने मत जाना। क्या होगा पता है, DII आएंगे, FII आएंगे, हल्का फुल्का बाइंग करेंगे। DII 2-4 करोड़ जितना बाई सेल कर लेंगे। जो FII है वो क्या करेंगे पता है, जो फ्रॉड FII है, फ्रॉड मतलब
जो इंडिया में ही रह करके इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने यहाँ पे लोग रखे होंगे कुछ ट्रेडर्स, यूएसए और ब्रिटेन वाले यहाँ पे आकर के बाय सेल करने वाले नहीं है, उनके पास और भी काम होते हैं संडे के दिन को। और देखो यहाँ पे दो टाइप की ट्रेंड होती है, आप यूपी बिहार साइड चले जाओ, कोलकाता साइड चले जाओ, वहां पे क्या ट्रेडिंग बना हुआ है कि वो उस दिन स्टॉक परचेस करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वो स्टॉक को परचेस करेंगे। जबकि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, उन सब साइड देखो, वेस्ट साइड, तो वहां पे क्या होता है कि वो पैसा घर लेकर के आने की सोचते हैं तो वो सेल करते हैं। तो हर कोई सेल करेगा, बाय करेगा, लेकिन उतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, इनिशियल फेज में बाइंग होगी, जाते जाते हो सकता है कि साइड वाइज हो जाए या फिर थोड़ा सा करेक्ट भी हो। एनीवे टेक्निकली देखो तो मार्केट अभी वहीं पे है, पोज लिया हुआ है। आप देखो 5-6 दिन उन्होंने उसी रेंज में निकाल दिए हुए हैं। अब होने वाला क्या है, गैप अप खुलेगा यहाँ पे 500-600 के ऊपर, तो ये ऊपर की साइड ब्रेक, क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट हो जाएगा। अब देखना होगा कि ब्रेकआउट सस्टेन होता है या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सेम वे में बैंक निफ्टी, 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल वहीं पे बने हुए हैं, अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। दिक्कत कब होगी, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमको यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल देखने को मिलेगी, और मंडे के दिन मान लो कि यहाँ पे नीचे आ गया तो बहुत जल्दी से नीचे आएगा, ये रेंज को क्रॉस करने में भी देरी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि एफआईआई भी बाई नहीं कर रहे हैं, और ये वॉल्यूम भी देखो बाई के अंदर वॉल्यूम कम है, सेल के अंदर बहुत वॉल्यूम ज्यादा है। यस, निफ्टी का टोटल लॉ देखो, हमारे पास कॉल भर भर के राइट हुए हैं 19,400 पे, कॉल और पुट दोनों ही शॉर्ट है। बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद ये पुट वाली पोजीशन से वो फंसने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। चेंज इन ओआई में भी देखो पुट राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, तो ये कोई स्मार्ट मनी ने किया होगा पुट राइटिंग, उनको पता होगा कि मार्केट है वो गैप अप खुलने वाला है। बैंक निफ्टी सेम वे में 44,000 के ऊपर हमारे पास कॉल राइटिंग है और 43,500 पे पुट राइटिंग है। चेंज इन ओआई में लेकिन देखिए यहाँ पे देखो कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अगर बैंक निफ्टी को और ज्यादा ऊपर ले जाना होता तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कॉल शॉर्ट करके कौन बैठा था, स्मार्ट मनी, वो ऐसे ही डिसीजन तो लेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। फिन निफ्टी यहाँ पे 19,800 पे, 700 पे कॉल राइटिंग हुई है, जबकि 400 पे और 500 पे पुट राइटिंग है। सेम वे में मिड कैप निफ्टी भी देख लो, जिसकी मंडे को एक्सपायरी है, 9,100 पे ऊपर हमारे पास पुट राइटिंग भर भर के है, जबकि कॉल राइटिंग 93,000 पे है। मतलब ये यहाँ पे झूला झुलाने की ट्राई करेंगे, लेकिन गैप अप में अगर मान लो कि 300 को ब्रेक कर देता है तो फिर अपसाइड ज्यादा हो सकती है। लेकिन मिड कैप में मुझे लगता नहीं कि उतना ज्यादा बाइंग हो, क्यों पता है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जब वो इतना बहुत ऊपर जा रहा था वो रिजल्ट के चलते, आपको पीएफसी वगैरह के रिजल्ट आए हुए थे, पीएफसी उसका मेन स्टॉक है, उसके चलते वहां पे बाइंग देखने को मिली थी। चेंज इन ओआई में देखो यहाँ पे भर भर के पुट राइट हुए हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था तो पुट राइटिंग हो रही थी। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।